एक हेल्दी लाइफ को जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है एक न्यूट्रिशियस डाइट दैट इज रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। अकॉर्डिंग टू साइंस, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स लेना नॉट ओनली मेक यू फील ग्रेट, बट ये आपकी सारी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस की रिस्क को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, साथ ही आपको मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो आखिर क्या है ये सुपर फूड्स जो आपको सुपरमैन बना देगा? वेल, इसके कोई डेफिनेशन तो नहीं होती है, बट ये ऐसे फूड होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं एंड ये आपको लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, विटामिन्स, मिनरल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें मोस्टली प्लांट बेस्ड फूड्स आते हैं, बट सम फिश लाइक सैल्मन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स भी इसमें शामिल होते हैं। इसके सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल्स है सैल्मन, कैले, वेरीज, केफिर, एलमंड एट्सेट्रा। सिंस इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती है, इसीलिए मेनी फूड्स दैट इज न्यूट्रिएंट डेंस इन कॉमनली पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ सुपर फूड्स। हाय, दिस साइड शिल्पी रॉय अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका चैनल हेल्दी माइंड और आज का हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिएंट रिच फूड्स एंड देयर हेल्थ बेनिफिट्स मींस सुपर फूड्स। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि ये सुपर फूड्स किस तरह से बाकी फूड्स के कंपैरिजन में बेटर है। सुपर फूड्स में पाए जाने वाले हाई विटामिन और मिनरल कंटेंट आपके बॉडी में कई सारे डिजीज को होने से रोक सकते हैं और आपको एक लॉन्गजीविटी के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। अगर आप एक बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं और उनमें ये सुपर फूड्स इंक्लूड कर लेते हैं तो दिस फूड्स कैन प्रमोट योर हार्ट हेल्थ, वेट लॉस, इंप्रूव एनर्जी लेवल्स एंड इवन रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग। इन सुपर फूड्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प्स टू रिड्यूस कैंसर, उसके अलावा इसके हेल्दी फैट्स हार्ट डिजीज के रिस्क को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इन सुपर फूड्स में पाए जाने वाले फाइबर हेल्प कर सकते हैं प्रिवेंट करने में डायबिटीज को एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को, जबकि इनके अंदर पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स में न्यूमेरस हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं विच इंक्लूड रिड्यूसिंग योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सुपर फूड्स आर ऑल्सो नोन टू प्रोटेक्ट योर ऑर्गन्स फ्रॉम टॉक्सिन्स, हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं हम उन सुपर फूड्स पे जो आपकी डाइट को और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना देते हैं। बट बी अवेयर, ये फूड सबसे ज़्यादा तब बेनिफिट करते हैं जब इन्हें अनप्रोसेस्ड एंड नेचुरल फॉर्म में लिया जाता है। Here are some examples of superfoods. First of all, acai berries. ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में ग्रो की जाती है और जो कि अमेजन पाम ट्रीज के एक फ्रूट होते हैं। They are high in antioxidants, healthy fats, fiber, vitamin B, magnesium, potassium and phosphorus, जिनकी बदौलत आप इसे एक सुपर फूड कैटेगरी में रख सकते हैं। Second one is kefir. आपने शायद इस फूड का नाम कभी नहीं सुना होगा, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोबायोटिक रिच फूड्स ऑन द प्लैनेट। केफिर एक कल्चर्ड फर्मेंटेड बेवरेज होता है जिससे केफिर ग्रेन एंड रॉ मिल्क से बनाया जाता है। दिस योगर्ट लाइक बेवरेज इज हाई इन प्रोटीन, विटामिन बी, पोटेशियम एंड कैल्शियम इनरिच्ड होता है। थर्ड वन इज एवोकाडो। एवोकाडोज जाने जाते हैं कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, फ्रॉम रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल एंड एलिवेटिंग एथराइटिस टू लेसनिंग द साइड इफेक्ट्स ऑफ केमोथेरेपी। एवोकाडो में काफ़ी हाई अमाउंट में पाए जाते हैं मोनोसैचुरेटेड फैट्स जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करते हैं। इट इज डेंस विद विटामिन ई एंड B6 विच एड इन रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, हेल्पिंग प्रोटेक्ट बॉडी टिश्यूज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, प्रोड्यूसिंग ग्लाइकोजन एंड प्रोमोटिंग स्किन हेल्थ। नेक्स्ट इज कैले। ये काफ़ी कॉमन सुपर फूड है। कैले एक लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है विच इज हाई इन विटामिन ए, सी एंड के, एज वेल एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड आयरन। कैले में काफ़ी कम कैलोरीज पाए जाते हैं और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड में हाई होती है विच हेल्प्स फाइट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस सच एज आर्थराइटिस, एस्थमा एंड सर्टेन ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट इज क्यूना। ये एक सुपर ग्रेन होते हैं जिसमें हाई इन फाइबर एंड प्रोटीन होते हैं। इनफैक्ट इसके जितना प्रोटीन बाकी किसी ग्रेन में नहीं पाए जाते हैं। बिसाइड्स हाई लेवल ऑफ प्रोटीन, क्यूना एक काफ़ी अच्छा सोर्स है आयरन एंड पोटेशियम का। इन द एंड एक चीज नोटिस करने वाली है जो कि सुपर फूड्स आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जिनमें आपको डेली नीड्स का अकॉर्डिंग काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। लेकिन सिर्फ सुपर फूड्स खाने से आपकी डाइट हेल्दी नहीं हो सकती है।
बल्कि अगर आप सिर्फ सुपर फूड्स को ही इंटेक करते रहें तो आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। इसलिए ये फूड्स आपके बैलेंस डाइट में ऐड करने के लिए है, उसे रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करूंगी सुपर फूड्स को लेके जो भी कंफ्यूजन था वो आपका दूर हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।